अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे बुरी उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। तो यार वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज के दिन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैंने वीडियो के अंदर शेयर करनी है, मेनली पीएमजीसी के रिलेटेड ये अपडेट्स हैं। तो मेक श्योर वीडियो को जो है वो लाजमी पूरा देखें और चैनल को जो है वो आपने जाते हुए मस्त सब्सक्राइब कर देना है और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो मुझे आप मस्ट फॉलो कर लेना। अभी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे चीज़ें बताऊँगा वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी पहले जो है वो ये बता चुका था। तो मेक श्योर टू फॉलो माई इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर हम अपनी मेन बात करें तो पीएमजीसी के स्पेशल इनवाइट्स जो हैं वो रिवील हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपको स्पेशल इनवाइट्स के नाम बताऊं तो ये जितने भी इनवाइट्स वगैरह की डिटेल्स थी ये मैं एक हफ्ता पहले, वन वीक पहले अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो बता चुका हूं आपको और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो कल अनाउंसमेंट से एक दो दिन पहले जो है वो ये रिवील कर दिए थे नेम्स। तो DRS और GGDR को जो है वो पीएमजीसी के अंदर इनवाइट मिल गया है। तो DRS के जो फैंस हैं, निबाल फैंस जो हैं, जो पबजी मोबाइल को जो है वो एक्टिवली फॉलो करते हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी जो है वो ये उनके लिए बड़ी चीज़ है, उनकी कोई टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी थ्रू चैम्पियनशिप, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो दूसरी टीम है GGDR यानी कि गेमिंग ग्लैडिएटर्स, तो ये काफ़ी लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हुए थे जब ये इन्वाइट जो है वो सामने निकल के आया। तो ये जो है वो रशियन टीम है और इनको जो है वो अचीवमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो रखा गया है पीएमजीसी के अंदर। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों टीम्स को अचीवमेंट की बेस के ऊपर जो है वो स्लॉट दिया गया है पीएमजीसी लीग स्टेजेस के लिए। और अगर हम बात करें पबजी मोबाइल की, तो पबजी मोबाइल का ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि DRS और गेमिंग ग्लैडिएटर्स को जो है वो इनवाइट दिया जाए। ऐसे कुछ इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं रीसेंट डेज़ के अंदर जिसकी वजह से पबजी मोबाइल को जो है वो टोटली अपना प्लान जो है वो चेंज करना पड़ा स्पेशल इन्वाइट्स के रिलेटेड। लेकिन मैंने फिर भी आपको वन वीक पहले सारी डिटेल्स जो हैं वो बता दी थी कि DRS को जो है वो स्पेशल इन्वाइट जो है वो मिलेगा। बाकी आप आगे डिटेल में बात करते हैं क्यों ये प्लान जो है वो चेंज हुआ है। बाकी ये आप PMGC 2023 के ग्रुप्स देख लें जो आप बन चुके हैं स्पेशल इनवाइट्स वगैरह, और जितने भी अभी इवेंट्स वगैरह हो रहे थे जिनसे स्लॉट डिसाइड होनी थी वो सारे इवेंट्स वगैरह भी हो गए हैं। तो ये जो है वो PMGC के ग्रुप सब बन चुके हैं, ये मैंने वीडियो के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये आप एक दफ़ा देख लें और मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताएँ अब आपको कौन सा जो है वो ग्रुप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो लग रहा है। अब मेन बात करते हैं कि पबजी का प्लान जो है वो ये क्यों चेंज हुआ था जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है। तो उसके पीछे मेन रीज़न इंडियन टीम्स हैं। तो पबजी मोबाइल का पहले जो प्लान था वो यही था कि जो BGIS की जो विनर्स टीम होगी उसको जो है वो एक स्पेशल इनवाइट जो है वो दिया जाएगा, और रनर्स अप का भी यही था कि रनर्स अप को भी जो है वो PMGC का स्पेशल इनवाइट का स्लॉट दे दिया जाएगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जब BGIS आपका ख़त्म होता है तब ग्लैडिएटर्स को जो है वो स्पेशल इनवाइट का जो स्लॉट है वो मेल्स के थ्रू जो है वो भेजा जाता है फ्रॉम पबजी मोबाइल। लेकिन ग्लैडिएटर्स जो है वो कभी पबजी मोबाइल को पॉजिटिव रिप्लाई कर ही नहीं पाती। जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की इंडिया में, उसे मीटी जो है वो कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको मीटी का बताया यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन टीम्स PMGC के अंदर पार्टिसिपेट इस दफ़ा नहीं कर पाई। उनकी तरफ से जो है वो मना किया गया है PMGC के अंदर इंडियन टीम्स को पार्टिसिपेट करने से। तो ये जो है वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मुझे बात पता चली है। बाकी ये वाली चीज़ मुझे एक हफ्ते पहले भी पता थी लेकिन मैं बता नहीं सकता था क्योंकि अलाउ नहीं था बताना। तो ये मेन रीज़न थी कि इंडियन टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो फिर लास्ट मिनट पर पबजी मोबाइल का जो है वो यही प्लान बना कि एक जो है वो DRS को इनवाइट दे दिया जाए और एक रशियन टीम को जो है वो इनवाइट दे दिया जाए। तो सबका ये भी जो है वो दिमाग में आ रहा होगा कि भाई नोवा को क्यों नहीं इनवाइट दिया। तो नोवा का इनवाइट इसलिए कैंसिल हुआ, नोवा को इनवाइट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि चार चाइनीज़ टीम्स ऑलरेडी PMGC में खेल रही हैं और PMGC जो है वो एक ग्लोबल इवेंट है। पबजी मोबाइल को व्यूअरशिप का भी जो है वो अंदाज़ा है, तो उन्होंने एक और कंट्री रशिया जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, रशियन टीम जो है वो अब आपको पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आएगी GGDR। बाकी आपको और भी मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ कि ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जो है वो अनाउंसमेंट हो गई हैं। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट गेम्स जो हैं वो फीचर होंगे, इसके रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स अभी आई नहीं हैं। तो आगे चल के कोई डिटेल्स वगैरह आती हैं तो वो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको पता ही है सऊदी अरब जो है वो अभी कितना इन्वेस्ट कर रहा है ई-स्पोर्ट्स के अंदर, PMWI वगैरह भी वहीं पर जो है वो सारा अभी होस्ट होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसके रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह आती तो मैं आपको बताता हूँ। और बाकी इंस्टा यार मस्ट फॉलो कर लेना है, सब डिटेल्स मैं कल जो है वो इंस्टा के ऊपर भी जो है वो दे चुका हूँ। और मेक श्योर यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो मस्ट सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।